हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ भाग करने का तरीका सीखा था। अब देखिए, नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम भाग देके देख ले रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर एक तरीका और बताएंगे शेषफल प्रमेय द्वारा भाग पर कैसे निकालते हैं। तो पहला आपका लिखा है, ये लिखा है एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x1, इसको हमें भाग देना है। सबसे पहला लिखा हुआ है x प्लस 1 से, यानी इससे इसमें भाग देने पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x + 1 और x प्लस 1। देखिए, पहले हम भाग दे रहे हैं, एक्स प्लस 1 का इसमें भाग देंगे। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस का 3x + 1। वही सबसे पहला स्टेप, इसे अंश में लिखेंगे स्टेप 1, यानी हमें इससे पहले वाले से और इस पहले वाले से मतलब है। जब इसको ऊपर लिखेंगे हर अंश में और इसे कहाँ लिखेंगे हर में, क्या लिखेंगे एक्स क्यू, और नीचे क्या लिख देंगे हर में केवल एक्स है, यहाँ क्या बचेगा आपका x² इस x² को आप यहाँ लिख दीजिए। अब x² का इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x³ प्लस, इसका इसमें किया तो x³ हो गया और x² का 1 में किया तो x² आ गया। अब देखो घटाते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितने बचे 3x² में से 1x² गया तो आपका 2x² हो गया और प्लस का 3x + 1। फिर वही अगला काम स्टेप सेकेंड, तो इसे 2x² को ऊपर लिखेंगे आप, इसे कहाँ लिखेंगे ऊपर और इसे कहाँ लिखेंगे हर में, तो आपका x बचेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका केवल क्या बचेगा 2x। अब 2x को हम यहाँ लिख देंगे, अब 2x का इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² और 2x का 1 में करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x से 2x गया, केवल x बचा और प्लस का 1। अब उसके बाद फिर वही काम, ये घात और ये घात बराबर है तो एक स्टेप और करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे इसमें x और हर में क्या लिखेंगे x, क्या बचेगा आपका 1, यहाँ पर प्लस का 1 और लिख देंगे और 1 का इसमें गुणा करेंगे, 1 का किसी में गुणा करो पूरा का पूरा आ जाता है, लिख देंगे x + 1, क्या बचा 0। तो आपका शेषफल कितना आ गया, देखिए पहले भागफल लिख ले रहे हैं, भागफल कितना आया, भागफल आया x² + 2x + 1 और शेषफल कितना आया, शेष पर आया आपका 0। अब आप एक बात और समझ लीजिए, तो हमने भाग करके हमें इतनी सारी बहुत लंबी प्रक्रिया करनी पड़ी तब हमें शेष पर ज्ञात हुआ। अगर आप इसको चाहें तो आप एक दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, केवल शेष पर ज्ञात करना है तो देखिए आपका दिया हुआ है, हमें मान ले रहे हैं जो आपका दिया हुआ है कि आपका px बराबर इसे मान ले रहे हैं जो दे रखा है, वो px है आपका x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस का 1। अब भाग किससे देना है, हमें x प्लस 1 से भाग देना है, तो जिससे भाग देना है उसी के बराबर हम 0 रख के x का मान निकाल ले रहे हैं, क्या निकाल ले रहे हैं x का मान निकाल ले रहे हैं। तो x का जब मान निकाल लेंगे हम, x बराबर 1 इसमें रख देंगे, आपका x बराबर इसमें 1 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हर एक x की जगह पे हमें क्या रखना है माइनस का ही रखना है। तो देखो px की जगह p-1 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा -1 का q + 3 और आपका -1 का होल स्क्वायर + 3 और ये -1 हो गया यहाँ पे और प्लस का 1। अब इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, देखो -1 पे q का मान कितना आ जाएगा, -1 का -1 में 3 बार गुणा होगा
तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक एक कर एक एक कर एक, और लास्ट में क्या आ जाएगा कुल मिला के, अगर समघात हो यानी घात सम है ऊपर जिसमें दो का भाग जा रहा है, जैसे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह कुछ भी हो तो प्लस का आता है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये विषम घात है तो माइनस का आ जाएगा, सम हो तो प्लस का आता है, विषम घात हो तो अब प्लस का तीन गुणा, अब यहाँ माइनस एक का होल स्क्वायर है जो सम घात है तो एक आ जाएगा, और ये तीन एकम तीन माइनस का हो जाएगा और प्लस का एक हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बचा आपका p माइनस वन कितना हो गया, देखो ये माइनस वन हुआ और ये तीन एकम तीन और माइनस तीन और प्लस का एक, प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया, यानी p माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी जीरो, जो क्या है आपका शेषफल है, शेषफल बराबर कितना आ गया जीरो। तो आप बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए हुए आप डायरेक्ट यहां से शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं, आपको अगर भाग से करोगे थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो पहले भाग से करिए बाद में इस तरीके से आपको करना है। देखिए पहले का ही सेकंड देखते हैं कि आपका एक्स क्यूब प्लस तीन एक्स का प्लस तीन एक्स प्लस वही लिखा हुआ है पहले वाला, अभी हमने इसमें एक्स माइनस एक बटे दो से भाग देने पर केवल शेषफल निकलवाया है, तो हमने दो तरीका बताए थे, या तो आप भाग दे लीजिए पूरा लंबी विभाजित प्रक्रिया कीजिए, या यहाँ से एक्स का मान निकाल के इसमें रख दीजिए। चलो हम दोनों तरह से एक बार होकर के देखते हैं, पहले भाग करने पर यानी एक्स माइनस एक बटे दो का हमें भाग करना है, किसमें करना है एक्स क्यूब प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस के वन में। अब देखिए तो सब वही स्टेप हमारा पहला वाला स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले इसे अंश में लिखेंगे एक्स क्यूब, और इसे कहाँ लिखेंगे हर में लिखेंगे, यानी पहले इसका इसमें भाग देते हैं पहले वाले पद का पहले में कितना बचा, तब सब में गुणा करेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे एक्स आपका बचा एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर आप यहाँ लिख लेंगे उस एक्स, अब एक्स का इसमें गुणा करेंगे इसमें गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का एक बटे दो एक्स स्क्वायर। अब देखिए चेंज चेंज करेंगे ये कट जाएगा, अब एक्स स्क्वायर जोड़ना ये कितना है तीन और ये कितना है एक बटे दो, तो इसे कहीं सॉल्व कर ले रहे हैं हम, यानी तीन प्लस एक बटे दो हमें जोड़ना है, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा तीन दूनी छः और एक सात बटे दो एक्स स्क्वायर, याद रखेंगे सात बटे दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस का वन। अब अगला स्टेप करेंगे तो स्टेप सेकेंड वही काम इस पहले वाले का पहले वाले में भाग देना है, तो इसको हमें ऊपर लिखना पड़ेगा अंश में, यानी सात बटे दो एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन में कितना है एक्स है, एक्स ही कट जाएगा कितना बचेगा सात बटे दो एक्स, तो यहाँ पे सात बटे दो एक्स लिख देंगे, अब देखिए सात बटे दो एक्स का इसमें गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा सात बटे दो एक्स स्क्वायर, और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का एक बटे दो लिखा हुआ है आपका वो है सात बटे दो एक्स आ जाएगा, माइनस का सात बटे चार एक्स क्या आ जाएगा माइनस का सात बटे चार एक्स, यानी इसका इसमें गुणा कर दिया यहाँ लिख दिया, और इसी का पहले वाले में कर दिया और दूसरे वाले में इतना, अब इन दोनों चिन्हों को हमें चेंज करना भी आपका प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इसी हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही काम इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हमारा प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हमें जोड़ना है तीन प्लस सात बटे चार और एक्स बाहर निकाल देना है, ये कितना हो गया चार किया बारह और सात उन्नीस बटे चार एक्स, क्या हो जाएगा उन्नीस बटे चार एक्स और प्लस का वन। वही स्टेप थर्ड करेंगे, अब ये उन्नीस बटे चार एक्स ऊपर लिख देंगे अंश में और हर में केवल ये एक्स लिखेंगे ये वाला,
तो हर में एक्स लिख देंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका केवल बचेगा 19/4, दो प्लस का 19/4 लिख देंगे। अब 19/4 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 19/4 एक्स, उसमें किया तो जब इसमें किया तो माइनस का 19/4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 8 हो जाएगा। अब इसे ये घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 + 19/8 लासा ले लेंगे 19 + 8 + 19/8 आपका हो जाएगा 8 × 9 = 17 और 2 = 27/8। तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, इन दोनों को जोड़ करके 27/8 आपका शेष पर हो जाएगा। तो भागफल कितना हो गया हमारा, भागफल हो गया x² + 7/2x + 19/4 और शेष पर कितना हो गया, शेष पर हो जाएगा 27/8। इसे चलो हम शेष पर प्रमेय से भी करके देख ले रहे हैं, हम मान लेंगे वही काम कि पी एक्स बराबर हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है x³ + 3x² + 3x और + 1। अब भाग किससे दे रहे थे हम, जिससे हम भाग दे रहे थे, भाग किस दे रहे थे x − 1/2 और इसके बराबर जीरो रखे, x का हम मान निकाल ले रहे हैं 1/2, तो शेष पर आपका होगा p 1/2, यानी हर एक x की जगह पे आपको 1/2 रखना है। तो यहाँ देखो 1/2 पर घात कितनी आएगी 3 + 3, केवल हर एक x की जगह पे हमें 1/2 लिखना है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, फिर 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा +3 और 1/2 लिख जाएगा और +1। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं, ये आपका 1/2 कितना हो जाएगा 8 + ये 3 है और ये 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा प्लस, और ये आपका 3/2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। इसके बट्टे मान के हमें लासा ले ले रहे हैं, जब हम लासा ले लेंगे तो 8 और 8 बराबर है तो एक बार जाएगा तो ऊपर 1 ही आएगा, प्लस 4 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा 3 × 6 प्लस 2 का भाग इसमें जाएगा तो 4 बार जाएगा 4 × 12 प्लस, और जब 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 का 8 ही आ जाएगा, तो 12 + 8 = 26 + 27/8 ये आपका शेषफल आ गया।